प्रगामी तरंग में अब आगे कला और कलांतर के बारे में बताया जाएगा आपको। उसके पहले एक बार फिर प्रगामी तरंग को देख लेते हैं। क्या है प्रगामी तरंग? जब किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचरित होता है तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचरित होता है तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। और इसका समीकरण प्रगामी तरंग में विस्थापन का समीकरण y इक्वल टू ए साइन टू पाई इंटू ब्रैकेट में टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। यह समीकरण बताया गया था प्रगामी तरंग के विस्थापन, कोई कण है उस कण का विस्थापन का समीकरण y इक्वल टू ए साइन टू पाई ब्रैकेट में टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। इसमें अब हम आगे पढ़ेंगे कला। किसी क्षण किसी कण के विस्थापन और गति किसी क्षण किसी कण के विस्थापन व गति की दिशा को कला कहते हैं। तरंग संचरण में माध्यम के कण विभिन्न कण भिन्न भिन्न कलाओं में होते हैं। जब तरंग गति होती है तो वहाँ पर जो कण हैं उन कण का जो विस्थापन है उनकी गति, उस विस्थापन और गति की जो दिशा है उस दिशा को कला कहते हैं। और माध्यम के कण भिन्न भिन्न कला में होते हैं। विस्थापन समीकरण से देखते हैं प्रगामी तरंग का जो समीकरण है उस प्रगामी तरंग के समीकरण में y इक्वल टू ए साइन टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। इसमें विस्थापन y का मान जो है ये जो कोण है यहाँ पर टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा इस पर निर्भर करता है। यहाँ पर ये प्रगामी तरंग के समीकरण में इस प्रगामी तरंग के समीकरण में विस्थापन y का मान 2 पाई t अपॉन t माइनस x अपॉन लिम्डा इस पर निर्भर करता है। इस कोण पर साइन का जो कोण है उस पर इस कोण को x दूरी पर स्थित कण की किसी क्षण t पर कला कहते हैं। यही क्या है कला, इसको फाई से दर्शाएंगे। फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई बराबर हो जाएगा टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। जैसा कि बताया गया था कला किसी क्षण किसी कण के विस्थापन और गति की दिशा को कहते हैं। यहाँ पर इस समीकरण में y विस्थापन का जो मान है उस विस्थापन y का मान कोण इस कोण पर जिसका मान है 2 पाई t अपॉन t माइनस x अपॉन लेमडा इस पर निर्भर करता है। यह कोण x दूरी पर स्थित कण की किसी क्षण t पर कला कहते हैं जिसे संकेत phi से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर फाइव बराबर हो जाएगा टू पाई इंटू टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। मान लो किसी क्षण टी पर या किसी समय टी पर मूल बिंदु से एक्स वन तथा एक्स टू माना क्षण टी पर किसी क्षण टी पर मूल बिंदु
मूल बिंदु से एक्स वन एक्स टू तो दूरी पर स्थित कणों की कला फाइव वन फाइव टू है। क्या बोला गया यहां पर कि क्षण टी पर मूल बिंदु से एक्स वन दूरी पर स्थित कण और मूल बिंदु से एक्स टू दूरी पर स्थित जो कण है उस कण की कला एक्स वन दूरी वाले कण की कला फाइव वन और एक्स टू पर है तो फाइव टू है। तब इस समीकरण के अनुसार फाइव वन बराबर हो जाएगा टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स वन अपॉन लेमडा। इसी प्रकार फाइव टू बराबर टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स टू अपॉन लेमडा। फाइव वन बराबर टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स वन अपॉन लेमडा, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर एक, तथा फाइव टू बराबर टू पाई टी अपॉन टी एक्स टू माइनस एक्स टू अपॉन लेमडा, इसको लेते हैं समीकरण नंबर दो। तब समीकरण एक और दो से अर्थात फाइव वन माइनस फाइव टू इन दोनों को का अंतर निकालते हैं तो अंतर आ जाता है टू पाई अपॉन लिमडा, टू पाई अपॉन लिमडा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, या डेल फाई इक्वल टू टू पाई अपॉन लिमडा इंटू डेल्टा एक्स। इसे शब्दों में लिखें तो हो जाएगा कलांतर बराबर टू पाई अपॉन लेमडा गुणा टू पाई अपॉन लेमडा गुणा पथांतर। यहां पर दो स्थितियां आ रही हैं, पहली स्थिति यदि डेल एक्स बराबर अर्थात पथांतर का मान बराबर लिमडा तब यहां पर रख देंगे तो तब फाई बराबर हो जाएगा दो पाई। यदि डेल एक्स इक्वल टू लिमडा तब डेल फाई इक्वल टू टू पाई, अर्थात दो कणों के बीच में पथांतर यदि तरंग दैर्ध्य लिमडा के बराबर है, दो कणों के बीच पथांतर यदि तरंग दैर्ध्य लिमडा के बराबर है तो उनके बीच कलांतर टू पाई होता है, अतः ये कण समान कला में होंगे। क्या बताया गया कि पथांतर यदि लिमडा के बराबर है अर्थात डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमडा तब डेल्टा फाई इक्वल टू टू पाई अर्थात कलांतर का मान टू पाई होगा। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि दो कणों के बीच में पथांतर लेमडा के बराबर है तो उनके बीच में कलांतर टू पाई होता है, अर्थात ये कण समान कला में होते हैं। दूसरी स्थिति यदि डेल एक्स इक्वल टू लेमडा बाई टू, यदि डेल एक्स इक्वल टू लेमडा बाई टू तब इस समीकरण से इसको समीकरण नंबर तीन दे देते हैं, तब समीकरण नंबर तीन के अनुसार क्या हो जाएगा डेल फाई इक्वल टू पाई, यहां पर लेमडा बाई टू रखेंगे तो फाई का मान बच जाएगा पाई, अर्थात डेल एक्स इक्वल टू लिमडा बाई टू तब डेल फाई इक्वल टू पाई, अर्थात यदि दो कणों के बीच में पथांतर
लेमडा बाई टू के बराबर है तो उनके बीच में कलांतर पाई होता है, अतः ये कण विपरीत कला में होते हैं। यह है कलांतर और पथांतर में संबंध। आगे इसको हम किस आधार पर देखें, किसी क्षण पर मूल बिंदु से दो अलग अलग स्थिति x1 और x2 दूरियों पर जो कलाएं हैं, अब हम देखते हैं स्थिति एक ही है लेकिन समय अलग अलग है, अर्थात इसको हम ऐसा कह लेंगे कि एक ही स्थिति पर समय अंतराल डेल्टा टी में कलांतर, एक ही स्थिति पर ले लें, एक ही स्थिति पर समय अंतराल डेल्टा टी अंतराल डेल्टा टी में कलांतर, मान लो मूल बिंदु O से x दूरी पर कण की समय t1 पर कला phi1 और समय t2 पर कला phi2 है, अर्थात t1 पर कला है phi1 और t2 पर कला है phi2, तब हो जाएगा इस समीकरण के अनुसार फाइव वन इक्वल टू टू पाई इंटू टी वन अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा तथा फाइव टू इक्वल टू टू पाई टी टू अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। क्या फाइव वन इक्वल टू टू पाई टी वन अपॉन टी एक्स अपॉन लेमडा, फाइव टू इक्वल टू टू पाई टी टू अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। इसको लेंगे समीकरण नंबर एक, इसको लेंगे समीकरण दो। समीकरण एक और दो से कलांतर, समीकरण एक और दो से ले लेंगे तब फाइव वन माइनस फाइव टू अर्थात कलांतर बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी टी वन माइनस टी टू या ऐसा कहें कलांतर डेल्टा फाई इक्वल टू टू पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, यह हो जाएगा समीकरण नंबर तीन। ये डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी अर्थात कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन टी इंटू समयांतर, समयांतर। यहां भी दो स्थितियां आएंगी, अब ये कलांतर और समयांतर में संबंध है। स्थिति पहली, यदि पहली स्थिति क्या, यदि डेल्टा टी इक्वल टू टी, डेल्टा टी इक्वल टू टी तब फाई इक्वल टू टू पाई। स्थिति दूसरी, डेल्टा टी इक्वल टू टी अपॉन टू तो फाई इक्वल टू पाई, फाई इक्वल टू पाई अर्थात
पहली स्थिति के अनुसार यदि हम देखें तो यदि डेल्टा टी इक्वल टू टी मतलब समय एक आवर्तकाल के बराबर है तो ऐसा कहेंगे कि एक आवर्त के पश्चात कण की कंपन की कला वही हो जाती है जो उस कण की प्रारंभ में थी। डेल्टा टी इक्वल टू टी पर फाइ इक्वल टू टू पाई। तथा दूसरी स्थिति यदि डेल्टा टी इक्वल टू टी अपॉन टू, डेल्टा टी इक्वल टू टी अपॉन टू तब फाइ इक्वल टू पाई अर्थात अर्ध आवर्त काल पश्चात कण की कंपन कला प्रारंभिक कला के विपरीत हो जाती है। यह है कला और कलांतर। क्या बताया गया? प्रगामी तरंग जब किसी माध्यम में, किसे कहते हैं प्रगामी तरंग, जब किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचरित होता है तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंग का समीकरण होता है y इक्वल टू ए साइन टू पाई इंटू टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। कला क्या होता है कि किसी क्षण किसी कण के विस्थापन की गति और दिशा को कला कहते हैं। तरंग संचरण में माध्यम के विभिन्न कण कंपन की भिन्न भिन्न कलाओं में होते हैं। इस समीकरण में अर्थात विस्थापन समीकरण में, प्रगामी तरंग का जो विस्थापन समीकरण है उसमें विस्थापन का मान कोण 2 पाई इंटू टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा पर निर्भर करता है। इस कोण को x दूरी पर स्थित कण की किसी क्षण t पर कला कहते हैं और संकेत फाई से दर्शाते हैं, जहां फाई बराबर हो जाता है 2 पाई इंटू टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। इसमें आगे देखते हैं हम कि किसी क्षण t पर मूल बिंदु से x1 और x2 दूरियों पर स्थित कणों की कलाएं क्रमशः फाई वन और फाई टू है, तब फाई वन बराबर टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स वन अपॉन लेमडा, समीकरण एक दे दिए, और फाई टू इक्वल टू टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स टू अपॉन लेमडा, इसको समीकरण नंबर दो देते हैं। अर्थात दो अलग अलग दूरियों पर कलाएं इस प्रकार फाई वन का मान एक्स वन दूरी पर और एक्स टू दूरी के लिए फाई टू। कलांतर, तो कलांतर के लिए इसको लीजिए फाई वन माइनस फाई टू इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, या ऐसा कहें फाई इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स, डेल फाई इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स, समीकरण नंबर तीन। यहाँ पर फाई कलांतर है, टू पाई अपॉन लेमडा इंटू ये पथांतर, ये कलांतर और पथांतर में संबंध है। यदि डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा तब फाई इक्वल टू टू पाई, अर्थात दो कणों के बीच में पथांतर लेमडा के बराबर है तो उनके बीच में कलांतर टू पाई होता है, अर्थात ये कण समान कला में होते हैं। यदि एक्स बराबर लेमडा बाई टू, तब इस समीकरण से, समीकरण नंबर तीन से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू पाई, अर्थात दो कणों के बीच में पथांतर लेमडा बाई टू के बराबर है तो उनके बीच कलांतर पाई होता है, अर्थात ये कण विपरीत कला में होते हैं। लेमडा होने पर समान कला में, लेमडा बाई टू पथांतर है तब विपरीत कला में। एक ही स्थिति पर परंतु समय अंतराल पर, मान लो मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कण का समय t1 और t2 पर कलाएं क्रमशः phi1 और phi2 हैं, एक ही स्थिति पर समय अंतराल डेल्टा t में कलांतर हमको ज्ञात करना है, तो t1 समय पर कला phi1, t2 समय पर phi2 है,
तब फाई वन बराबर टू पाई टी वन अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लिमडा, ये समीकरण नंबर एक ले लिए। फाई टू इक्वल टू टू पाई इंटू टी टू अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लिमडा, समीकरण नंबर दो। कालांतर निकालने के लिए फाई वन माइनस फाई टू इक्वल टू टू पाई अपॉन टी टी वन माइनस टी टू, या फाई इक्वल टू टू पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा, समीकरण नंबर तीन। यहाँ हमको प्राप्त हो गया कालांतर बराबर टू पाई अपॉन टी इंटू समयांतर, ये कालांतर और समयांतर में संबंध है। यहाँ पर यदि डेल्टा टी बराबर टी है तब समीकरण तीन से फाई बराबर प्राप्त हो जाता है टू पाई, जिसका अर्थ हो जाता है कि एक आवर्तकाल के पश्चात कण के कंपन की कला वही हो जाती है जो उस कण की प्रारंभ में थी। दूसरी स्थिति, यदि डेल्टा टी इक्वल टू टी अपॉन टू अर्थात अर्ध आवर्तकाल, तब फाई बराबर, तब ये डेल फाई हो जाएगा यहाँ पर, तब डेल फाई बराबर हो जाएगा पाई, अर्थात अर्ध आवर्तकाल के पश्चात कण की कंपन कला प्रारंभिक कला के विपरीत हो जाती है। तो यह था कला और कलांतर। इसके आगे अब देखेंगे कण का वेग तथा त्वरण। तो आगे कण का वेग तथा त्वरण पढ़ने से पहले एक बार फिर कला और कलांतर को देख लेते हैं कि प्रगामी तरंग के लिए जो समीकरण है y इक्वल टू ए साइन टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, यह समीकरण प्राप्त हुआ था। इस समीकरण में टू पाई इंटू टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, इसी पर विस्थापन का मान निर्भर है। इसको, इस कोण को x दूरी पर स्थित कण के किसी क्षण t पर कला कहते हैं। इसे फाई से दर्शाया जाता है, फाई इक्वल टू टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। इसके अतिरिक्त किसी क्षण t पर मूल बिंदु से x1 और x2 दूरी पर कलाएं phi1 और phi2 हैं, तब phi1 बराबर 2 पाई t अपॉन t माइनस x1 अपॉन t x1 अपॉन लेमडा, phi2 बराबर 2 पाई t अपॉन t माइनस x2 अपॉन लेमडा। ये दो अलग अलग यानी x1 और x2 के लिए कलाएं हैं। कलांतर निकालते हैं तो कलांतर phi बराबर आ जाता है phi इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल x, अर्थात कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। यदि पथांतर का मान यानी डेल एक्स का मान लेमडा है, तब फाई बराबर टू पाई प्राप्त होता है, अर्थात दो कणों के बीच में पथांतर लेमडा के बराबर है तो उनके बीच कलांतर टू पाई होता है, अर्थात एक कण समान कला में होते हैं। यदि डेल एक्स बराबर लेमडा बाई टू, तब फाई इक्वल टू पाई, अर्थात दो कणों के बीच में पथांतर लेमडा बाई टू के बराबर है तो उनके बीच कलांतर पाई होता है, अर्थात एक कण विपरीत कला में होते हैं। एक ही स्थिति पर समय अंतराल टी में कलांतर, माना मूल बिंदु ओ से एक्स दूरी पर स्थित कण का समय टी वन और टी टू में कलाएं क्रमशः फाइव वन फाइव टू हैं, तो फाइव वन बराबर टू पाई टी वन अपॉन टी टू पाई टी वन अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लिमडा। इसी तरीके से फाइव टू का मान टू पाई इंटू टी टू अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लिमडा, तो कलांतर बराबर प्राप्त हो जाता है, कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन टी इंटू समयांतर। यदि टी बराबर टी अर्थात समय का मान जो है कैपिटल टी आवर्तकाल के बराबर है एक आवर्तकाल के, तब फाई बराबर 2 पाई, अर्थात एक आवर्तकाल के पश्चात कण के कंपन की कला वही हो जाती है जो उस कण के प्रारंभ में थी। और यदि अर्धावर्तकाल है अर्थात समय का मान डेल्टा टी बराबर आवर्तकाल का आधा टी अपॉन टू, तब डेल फाई बराबर पाई, अर्थात अर्ध आवर्तकाल पश्चात कण की कंपन की कला प्रारंभिक कला की विपरीत हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं कण का वेग तथा त्वरण।
कण का वेग। जब प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का प्रत्येक कण माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति करने लगता है। कण का वेग तरंग वेग से भिन्न होता है। कण का वेग वह वेग होता है जिससे कोई कण माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति करता है। अर्थात कोई कण जिस वेग से माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति करता है वह वेग है कण का वेग। प्रगामी तरंग का समीकरण y इक्वल टू a साइन 2π, y इक्वल टू a साइन 2π इंटू टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लिम्डा। प्रगामी तरंग का समीकरण था y इक्वल टू a साइन 2π इंटू ब्रैकेट में टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लिम्डा। इसको समीकरण एक ले लेते हैं। इस समीकरण एक को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, जहां पर x को नियत मान लेते हैं, तब कण का वेग भी v बराबर dy बटे dt। क्या किए, समीकरण एक का अवकलन, समीकरण एक का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो भी प्राप्त होगा भी बराबर dy बटे dt, जिसका मान आ जाएगा v इक्वल टू a 2π अपॉन t cos 2π इंटू स्मॉल t अपॉन कैपिटल t माइनस x अपॉन लेमडा, या ऐसा कहें 2π a अपॉन t इंटू cos 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल t माइनस x अपॉन लेमडा इक्वल टू v। क्या प्राप्त हुआ, v इक्वल टू 2π a अपॉन t cos 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल t। यहाँ पर स्मॉल t जो है क्षण है, वह समय है, और ये जो कैपिटल t है वह आवर्तकाल है। तो t अपॉन t माइनस x अपॉन लेमडा, यह है समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 को और इस प्रकार से लिखा जा सकता है v इक्वल टू 2π अपॉन t को लिख सकते हैं ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा और ये a, ओमेगा इंटू a cos 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल t माइनस x अपॉन लिम्डा, समीकरण नंबर 3। अधिकतम वेग के लिए, वेग का मान अधिकतम है तब उस स्थिति में कॉस का अधिकतम मान एक हो जाएगा, तो यह आ जाएगा a इंटू ओमेगा। यह है सूत्र उस कण के वेग का, जिससे कण के उस वेग का सूत्र है जिससे वेग से कोई कण माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति करता है। कैसे यह सूत्र प्राप्त हुआ, तो प्रगामी तरंग का समीकरण है y इक्वल टू a साइन 2π इंटू स्मॉल t अपन कैपिटल t माइनस x अपन लेमडा, समीकरण नंबर 1 दे दिए इसको। इस समीकरण 1 का अवकलन करेंगे तो हमको कण का वेग प्राप्त होगा, अर्थात कण का वेग v बराबर dy अपॉन dt। इसमें सॉल्व किए तो क्या आएगा, v इक्वल टू a 2π अपॉन t cos 2π t अपॉन t माइनस x अपॉन लेमडा, या ऐसा कहें 2π a अपॉन t cos 2π t अपॉन t माइनस x अपॉन लेमडा। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं।
और आगे सॉल्व कर लेंगे तो v इक्वल टू ए टू पाई अपॉन टी के बदले हम ओमेगा रख लिए, ए कॉस टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, समीकरण नंबर तीन। यहाँ पे अधिकतम वेग के लिया जाएगा, फिर ये पूरा पद का मान एक हो जाएगा, तो अधिकतम मैक्सिमम वेलोसिटी के लिया जाएगा v मैक्सिमम इक्वल टू ए ओमेगा। आगे इसी में देखेंगे त्वरण के लिए, त्वरण के लिए इस समीकरण नंबर दो का, समीकरण दो का दो का अवकलन करेंगे। तब हमको प्राप्त हो जाएगा त्वरण का मान अर्थात अल्फा। यह अल्फा बराबर हो जाएगा डी टू आई इसको लेते हैं यहाँ पे v, जिससे कि v बराबर है dy अपॉन dt, फिर अवकलन करेंगे उसका तो आ जाएगा d2y टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर, या ऐसा कह लें माइनस फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर a साइन टू पाई इंटू टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लिमडा, किंतु वाई इक्वल टू ये समीकरण है ए साइन टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लिमडा, तो इस मान को यहाँ पर रख देंगे तो प्राप्त हो जाएगा, इसलिए अल्फा इक्वल टू आ जाएगा माइनस फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ए साइन टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा के बदला में रख लेंगे वाई, या अल्फा इक्वल टू माइनस टू पाई अपॉन टी इक्वल टू होता है ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। यह है त्वरण का सूत्र। यहाँ पर ये जो ऋणात्मक चिन्ह है इस बात का प्रतीक है कि त्वरण की दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है। अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए हो जाएगा अल्फा मैक्सिमम इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। यह था कण के त्वरण का व्यंजक। अल्फा इक्वल टू डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर, क्या किए समीकरण दो का अवकलन किए, समीकरण दो मतलब इस समीकरण का, ये यहां पर v बराबर डी वाई अपॉन डी टी था ये, तो अवकलन करेंगे तो डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी इस पद का अवकलन करने पर मान जो प्राप्त हुआ हुआ है माइनस फोर पाई, माइनस फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए साइन टू पाई इंटू टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, किंतु वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई इंटू टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। इस मान को यहाँ पर रखते हैं तो अल्फा इक्वल टू प्राप्त माइनस फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू वाई, जहाँ पे वाई जो है उस कण का विस्थापन है, तब समीकरण प्राप्त हो जाता है अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अधिकतम मान के लिए अल्फा मैक्सिमम इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। यह था कण का वेग और यह है कण का त्वरण। कण का वेग और इसको कह लेंगे कण का, कण का त्वरण के लिए ये व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। तो यही है कण का वेग और त्वरण के लिए, कि जब प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का प्रत्येक कण माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति करने लगता है और कण का वेग तरंग वेग से भिन्न होता है। कण का वेग वह वेग होता है जिससे कोई कण माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति करता है, ठीक। धन्यवाद।